क्या राहुल गांधी एक ब्रांड बन गए हैं? लोकसभा चुनावों से पहले राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की तुलना की जा रही है। अगर पीएम मोदी की बात करें तो हाँ, मोदी ने 10 सालों में न केवल देश में अपनी विकासशील लोगों से जुड़े हुए और आतंकवाद के सख्त विरोधी पीएम की छवि बनाई है, बल्कि उन्होंने भारत में दो सबसे बड़े बदलाव किए हैं। दो गए या तीन? पहला, उन्होंने लोगों को देश से प्यार करना सिखाया, और दूसरा, खुद को हिंदू कहने में गर्व करना सिखाया, और तीसरा, विदेशों में भारत का मान बढ़ाया है। विदेश में बिजनेस करने वाले कई बिजनेसमैन कहते हैं कि 10 साल पहले जब हम विदेश जाते थे तो दूसरे देशों के नागरिकों को इमिग्रेशन में तरजीह दी जाती थी और भारतीयों को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था। लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल बदल गई है। अब भारतीयों को भी उतना ही सम्मान दिया जाता है जितना किसी भी विकसित देश के नागरिक को। भारतीय राजनीति में राहुल गांधी को लगभग 2 दशक का समय बीत चुका है। 2 बार यूपीए की सरकार रही, लेकिन राहुल गांधी ने उसमें कोई मंत्री पद नहीं लिया। इसकी क्या ये वजह थी कि वो कांग्रेस के युवराज थे और वो मनमोहन सिंह के नीचे कैसे काम कर सकते थे? राहुल गांधी ने संगठन में काम किया और कई जगह चुनाव जीते भी और हारे भी। साल 2004 में मिली हार के बाद बीजेपी को खुद ही विश्वास नहीं हो रहा था कि वो चुनाव हार गए हैं। 10 साल यूपीए की सरकार रही और इसी दौरान तमाम घोटाले, आतंकी घटना और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की कई घटनाएं हुई, लेकिन राहुल गांधी बहुत ही पुख्ता तरीके से इन पर अपना मत नहीं रख पाए। 10 साल राज करने के बाद कांग्रेस के अंदर ही इतना घमंड आ गया था कि उनके नेता तरह तरह के बयान देते थे। अन्ना आंदोलन ने कांग्रेस की सरकार की कमर और ज्यादा तोड़ डाली। उस वक्त अगर राहुल गांधी हस्तक्षेप करते तो कम से कम वो डैमेज कंट्रोल कर सकते थे और अपनी एक सशक्त छवि भी पेश कर सकते थे। दिक्कत इस बात की हुई कि राहुल गांधी चुनिंदा लोगों से घिरे रहते थे जो उनके आंख और कान हुआ करते थे। उन्होंने खुद कभी धरातल पर जाकर खोजबीन करने और लोगों की नब्ज टटोलने की कोशिश ही नहीं की, और यही वजह थी कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पूरी तरह से हार गई। मोदी के पहले टर्म की सरकार में भी राहुल की तरफ से ऐसी मेहनत नहीं करी गई जैसा वो मोदी सरकार के दूसरे टर्म में कर रहे हैं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, लोगों से जुड़ना शुरू किया और काफी हद तक वो इसमें कामयाब भी रहे। लेकिन क्या संगठन स्तर पर कोशिश की गई कि राहुल गांधी ने जिन लोगों के साथ बातचीत की, सेल्फी ली, वहां कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचकर फीडबैक ले और जाने आम आदमी से कि राहुल गांधी उनके लिए कितना खास महत्व रखता है? मोदी छोटे से छोटे कार्यक्रम को इवेंट बनाने की क्षमता रखते हैं। मोदी बीजेपी के लिए वन मैन है और उन्होंने पार्टी से अलग अपनी एक छवि बनाई। राहुल गांधी इसको करने में नाकामयाब रहे। अभी भी राहुल गांधी का कहना है कि राहुल गांधी कांग्रेस से हैं, कांग्रेस राहुल गांधी से नहीं। दूसरी तरफ देखा जाए तो मोदी बिना कहे ये संदेश देने में कामयाब रहे हैं कि बीजेपी मोदी से है, मोदी बीजेपी से नहीं है, और यही वजह है कि कांग्रेस की तुलना में बीजेपी में ज्यादा अनुशासन नजर आता है और कांग्रेस में हो रहे अंदरूनी फूट को राहुल गांधी रोकने में नाकामयाब रहे हैं। राहुल गांधी ने बड़े बिजनेसमैन को अपना निशाना बनाया। वो अडानी, अंबानी और मोदी के रिश्तों की बात करते रहे, लेकिन उनका रोड मैप क्या है इस बारे में नहीं बताया। कैसे वो भारत की अर्थव्यवस्था को आगे लेकर जाएंगे और देश का पैसा चंद लोगों के हाथ में ना रहकर जनता तक पहुंचाएंगे? राहुल गांधी एक तरफ तो अडानी को निशाना बनाते हैं और वहीं अडानी जब कांग्रेस शासित राज्यों में निवेश करते हैं तो राहुल गांधी इस पर चुप्पी साध लेते हैं। बीजेपी अच्छी तरह से जानती है कि किस तरह की चीजों का फायदा कैसे उठाया जाता है। पिछले 10 साल से वो राहुल गांधी के खिलाफ सोशल मीडिया पर उनकी छवि खराब करने का कैंपेन चला रही है, लेकिन इसकी काट कांग्रेस क्यों नहीं कर पा रही है? इसकी वजह यह है कि कांग्रेस में कोई दूरदर्शी नेता बचा ही नहीं है जो सोच सके। राहुल गांधी पर तुष्टीकरण का भी इल्जाम लगता है और ये कांग्रेस की मजबूरी है। दूसरी ओर मोदी भले ही सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन हिंदू सम्राट बनाने का वो कोई मौका नहीं छोड़ते। मोदी की देखा देखी राहुल ने भी मंदिर जाना शुरू किया, लेकिन दूसरी तरफ वो लालू यादव के घर पर मीट बनाते नजर आते हैं या फिर चांदनी चौक में नॉनवेज खाते हुए। ये एक ऐसी लकीर है जिसमें राहुल गांधी बिल्कुल फिट नहीं बैठते और लोग उनकी ये छवियां देखकर कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं और फिर उन्हें लगता है कि राहुल गांधी को ही नहीं मालूम है कि वो क्या करना चाहते हैं। ऐसी तमाम चीजें हैं जो राहुल गांधी को एक ब्रांड बनाने से रोकती है। रही बात इंसान के रूप में राहुल गांधी कैसे हैं, तो इसके जवाब में उनके विपक्षी ही कहते हैं कि राहुल गांधी इंसान तो अच्छे हैं लेकिन एक अच्छे राजनेता नहीं है।
इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें श्रेष्ठ भारत को।